प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में हलचल बढ़ गई है। खासतौर पर संगम तथा इसके आसपास के गंगा व यमुना के घाटों से जहां तीर्थ पुरोहित ने अपने सामान समेटना शुरू कर दिया, तो वहीं तटीय क्षेत्र के रहने वाले स्थानीय लोग भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी में जुटे। पिछले वर्षों में आई बाढ़ और गंगा से सटे इलाकों में मुसीबत को याद कर स्थानीय लोग एहतियात के तौर पर उपाय करने लगे हैं। जिलाधिकारी ने बाढ़ वाले इलाकों को निरीक्षण किया, जहां पर बाढ़ वाले क्षेत्रों पर बाढ़ से बचाव करने वाली टीमों को तैयारी तेज चल रही। बाढ़ के आने पर बचाव की सभी टीमें तटीय इलाकों पर लगा दी जाएंगी। दोनों नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? तराई इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है? गंगा और यमुना जी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हम लगातार जल स्तर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी गंगा जी यमुना जी का जो स्तर है लगभग 79 मीटर्स के आसपास है लेवल, और अभी खतरे के निशान से 5 मीटर नीचे है। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके अलावा हम लोगों की जितनी भी बाढ़ चौकियां बनती है, बाढ़ शरणालय बनते हैं, हमने उन सभी की तैयारी कर ली है और मेडिसिंस की, चाहे पशुओं के लिए मेडिसिन, टीकाकरण, उन सारी चीज़ों का हम लोगों ने तैयारी कर लिया है। इसके अलावा राशन का जो टेंडर्स है वो हम लोगों ने सारा करा लिया है। NDRF और SDRF से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कर लिया है। एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग में हम लोगों ने NDRF SDRF की कराई थी। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पानी भरता है तो वहाँ हमने नावों का भी चिन्हांकन करा लिया है कि किन क्षेत्रों के लिए कौन कौन से किस नंबर की नाव रहेगी और उसका कौन नोडल रहेगा। तो हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। जैसी स्थिति रहेगी जो हमारे जनपद की पूरी टीम है उसे सफलतापूर्वक निपटेगी। जिस तरीके से तराई इलाकों में पानी लगातार कई वर्षों से लगातार पानी भर जाता है, लोग अपने ऊपरी मंजिल में रहते हैं, तो किस तरह से अलर्ट उनको किया जा रहा है? अच्छा, इस दौरान हमने नावों को तो लगाया ही है, लेकिन कई बार उस पर डेंगू या मलेरिया का प्रकोप होने की काफ़ी संभावना रहती है, तो हमने ऐसे मकानों को चिन्हित किया है जहाँ पर पानी भरता है, जहाँ पर बेसमेंट है, और उन क्षेत्रों पे हम लोगों ने चाहे गमला हो, कूलर हो, वहाँ हर जगह पे। गंगा यमुना के बाढ़ का पानी आने का खतरा सता रहा है। पिछले साल भी अल्लापुर, राजापुर, सलोरी, दारागंज, शिवकुटी, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, रसूलाबाद, करेली इलाके में बाढ़ का पानी भर गया था। देखिए, अभी सभी चीजें कंट्रोल में है। हाँ, धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है, परंतु चीजें अभी कंट्रोल में है। जहाँ तक पुलिस की व्यवस्थाओं का प्रश्न है, अभी हम सभी अवगत हैं कि श्रावण मास का मेला भी चल रहा है और श्रद्धालु यहाँ से जल भरकर बनारस और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर, शिवालयों पर ले जाते हैं। उसको लेके हमारी जल पुलिस की व्यवस्था, हमारी SDRF की व्यवस्था, हमारी फ्लड PAC की व्यवस्थाएँ हैं। साथ ही साथ स्थानीय गोताखोर भी लगातार इस चीज़ को हमारा सहयोग कर रहे हैं। जल स्तर का नियमित जो मॉनिटरिंग होती है वो संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है, पुलिस को भी उसकी सूचना मिलती जा रही है। बरसात के सीज़न में सभी जो नदी के किनारे के थाने हैं उनको हमेशा सजग रहने के लिए निर्देशित किया जाता है कि अगर जल स्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होती है वैसे केसेस में लोगों को अलर्ट करें। परंतु जैसा मैंने बताया, अभी चीज़ें सभी नियंत्रण में हैं और हर चीज़ को क्लोजली वॉच किया जा रहा है।